जुर्म की दुनिया से बाखबर कराती क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुमित गुप्ता। क्राइम रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे रिश्तों में पड़ती दरार के बारे में, किस तरह से रिश्तों पर धूल जमती जा रही है, किस तरह अपने बेगाने होते जा रहे हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। पूत कपूत हो ये आपने जरूर सुना होगा, लेकिन माता कुमाता हो ये कम ही सुनने को मिलता है। राजस्थान के सीकर से सामने आई एक मां बेटे के बीच की दर्दनाक दास्तां, जिसे देखकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या एक मां ऐसी भी हो सकती है। राजस्थान के सीकर जिले के श्री माधोपुर थाना इलाके में एक कलयुगी मां ने अपने ही बच्चे की हत्या कर उसके शव को फेंक दिया। श्री माधोपुर थाना इलाके के मावलियों की ढाणी में सरसों के खेत में हत्या कर फेंके गए एक बालक का शव मिला था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर हत्या का खुलासा करते हुए बालक की हत्या के आरोप में मृतक विजय की मां और उसके चाचा सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या के इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक विजय की मां अंजू और उसके चाचा सुरेंद्र के अवैध रिश्ते थे। विजय ने अपनी मां और चाचा को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था, जिस पर विजय की मां अंजू और उसके चाचा सुरेंद्र ने उसकी हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। बच्चे ने अपनी माँ और अपने चाचा को आपत्तिजनक अवस्था में देखा था। उन्होंने कहा कि ये बात ओपन हो जाए, इसलिए बच्चे की माँ ने और चाचा ने मिल करके बच्चे की हत्या कर दी, फांसी का रस्सी से गला घोट करके हत्या की गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सुरेंद्र और मृतक बच्चे की माँ को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। पूत कपूत हो ये आपने जरूर सुना होगा, लेकिन माता कुमाता हो ये कम ही सुनने को मिलता है। लेकिन इस मामले ने मां के एक ऐसे रूप को उजागर किया है जो बेहद ही डरावना है। क्राइम रिपोर्ट के लिए सीकर से अमित शर्मा, जन टीवी। कहीं मां का खौफनाक चेहरा सामने आया तो कहीं बेटे ने कर दी हैवानियत की सारी हदें पार। जोधपुर से सामने आई एक ऐसी वारदात जिसने फैला दी पूरे इलाके में दहशत। कहते हैं कि शराब इंसान को हैवान बना देती है, इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला जोधपुर में, जहां एक शराबी ने अपनी ही मां की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, मां की हत्या के बाद उस शराबी ने खुद को भी चाकू मार कर आत्महत्या करने की कोशिश की और पहुंच गया अस्पताल। घटना के बाद पुलिस ने मां के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया तो वहीं कलयुगी बेटे को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। आज शाम को 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि बाटी चौराहे से सर्किट हाउस रोड के ऊपर हरिजन बस्ती में बेटे और उसकी मां ओम प्रकाश और उसकी मां राजू देवी दोनों घर पे थे। दोनों आपस में आस पड़ोसियों से जानकारी मिली कि आपस में झगड़ा करते रहते थे। आज ओम प्रकाश ने अपनी मां के चाकू मार के स्वयं ने भी चाकू मार लिया। इनको घायल अवस्था में हॉस्पिटल भेजा। उसकी मां राजू देवी की डेथ हो चुकी है और वो अभी सीरियस अवस्था में। ये घटना है जोधपुर के रातानाड़ा थाना इलाके की, जहां गणेश मंदिर के पास रहने वाले मां बेटे में शराब की बात को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि आवेश में आकर
बेटे ने अपनी मां को ही मार दिया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मां बेटे को जोधपुर के एमडीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां मां की मौत की पुष्टि होने पर उसके शव को मोर्चरी में रखवाया, वहीं गंभीर रूप से घायल बेटे का इलाज शुरू करवाया। अब पुलिस इस परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर कारणों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। क्राइम रिपोर्ट के लिए जोधपुर से अरुण हर्ष, जन टीवी। रिश्तों के कत्ल की एक ऐसी ही दास्तां सामने आई राजस्थान की राजधानी जयपुर से। उसने शराब के नशे में दिया एक ऐसी वारदात को अंजाम जिसने फैला दी पूरे इलाके में सनसनी। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में एक शराबी पति ने अपनी ही पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक कन्नौज यूपी का रहने वाला कुलदीप सिंह अपनी पत्नी कल्पना के साथ निवारू रोड स्थित नंदवाना कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था और वह बैरिंग्स की दुकान में काम करता था। उसकी अपनी पत्नी से बाहर जाने की बात पर कहा सुनी हो गई, जिसके बाद उसने शराब के नशे में पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। झोटवाड़ा क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी को मार दिया। जब जाकर के SHO करधनी ने और जाकर देखा तो वहाँ कुलदीप नाम का व्यक्ति जो शराब के नशे में धुत है, जो कन्नौज यूपी का रहने वाला है, और उसने अपनी जो धर्म पत्नी थी कल्पना, ये उसके जो है गला घोंट करके हत्या कर दी है। इसका पोस्टमार्टम बोर्ड से कराया जा रहा है। मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। मुलजिम अभी नशे में धुत है और उसके पुलिस पूछताछ कर रही है और उसके मृतका के परिजनों को सूचित कर दिया है। मृतका की उम्र करीब 25 साल है और मुलजिम जो उसका पति है उसकी उम्र करीब 30 साल है। कन्नौज यूपी के रहने वाले। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी अक्सर बिना काम के ही घर के बाहर जाती रहती थी। उसने कई बार अपनी पत्नी को रोका भी, लेकिन वो नहीं मानी, जिसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी। मामूली सी कहा सुनी पर उसने कर दिया अपनी ही भाभी का खून। रिश्तों को शर्मसार करती ये दास्तां आई है जयपुर से, जहां एक व्यक्ति ने अपनी भाभी की गला घोटकर कर दी उसकी हत्या। जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में एक युवक ने इंसानी रिश्तों को तार तार करते हुए अपनी भाभी को ही मौत के घाट उतार दिया। मृतका पुष्पा के दो छोटे बच्चे हैं। जानकारी के मुताबिक इलाके के सेक्टर नंबर 13 में पुष्पा नामक महिला घरेलू कामकाज कर रही थी। इसी दौरान उसकी अपने देवर नरेश से किसी बात पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद नरेश ने पुष्पा का गला घोट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। जांच में अभी तक हाल फिलहाल तो ऐसी कोई बात सामने आई नहीं है। कोई हो सकता है इनका कोई घरेलू मामला हो, रिश्तों को लेकर, संबंधों को लेकर कोई बात कह नहीं सकते, संभवतः हो सकता है। वहाँ पर जो और चीजें बिखरी होगी कमरे में, वहाँ पर कुछ ऐसा लगा कि उनमें आपस में कोई नहीं, ऐसा मौके पे ऐसा कोई ऐसी कोई मतलब चीज नहीं मिली जिससे।
हालांकि कुछ देर बाद देवर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी और खुदकुशी करने की बात भी कही, लेकिन समय रहते पुलिस ने आरोपी देवर को जलमहल के पास से गिरफ्तार कर लिया। मानसरोवर के सेक्टर 13 में रहने वाले किशन रमाणी की पत्नी पुष्पा को उसके देवर नरेश ने गला घोट कर मार दिया। किशन सब्जी मंडी में टमाटरों का व्यापारी है, वहीं नरेश पान मसाले और सिगरेट का होलसेल डीलर बताया जाता है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि सुबह करीब 10:30 बजे आपसी कहासुनी को लेकर देवर और भाभी में तकरार हो गई, जिस पर देवर ने गुस्से में अपनी भाभी का गला दबा दिया। नरेश तो वैसे घर पे रहता, कुछ ज्यादा कुछ बेरोजगारी है, वो बेरोजगार है। तो कोई तो वजह होगी कि दो बच्चों की माँ को मारने का? नहीं, ऐसा अभी तक तो कोई सामने आया नहीं। अब जांच आगे होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। मृतका के पति से बातचीत हुई? नहीं, अभी भी उसने कभी पहले भी झगड़े होते हैं घर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। दोनों पति पत्नी का अच्छे संबंध थे और परिवार भी इनका कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। इस घटना की जानकारी मकान में रहने वाली पुष्पा की सास को भी नहीं हुई, वो ऊपरी मंजिल पर रहती थी। नरेश ने घर से निकलकर करीब 1 बजे अपने भाई को घटना की जानकारी दी और खुद की लाश भी जल्द ही मिल जाएगी ऐसा कहा। इस पर भाई ने पड़ोसी को फोन कर घर में हालात देखने के लिए भेजा, जहां पुष्पा अचेत अवस्था में थी। इसके बाद किशन ने पुलिस को सारे मामले की खबर दी। क्राइम रिपोर्ट के लिए जयपुर से दशरथ सिंह, जन टीवी। क्राइम रिपोर्ट में यहां वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुर्म की कुछ और दास्तां से उठाएंगे पर्दा। क्राइम रिपोर्ट में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजधानी फिर हुई शर्मसार। दिल्ली में एक महिला के साथ किया गया गैंग रेप और इस बार भी दिल्ली पुलिस सिर्फ लकीर पीटती नजर आई। लगातार बढ़ते बलात्कार के मामलों ने दिल्ली पुलिस की खोल दी पोल। राजधानी दिल्ली के सरिता विहार इलाके में एक महिला के साथ गैंग रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि लिफ्ट देने के बहाने 3 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। महिला का कहना है कि वो गुड़गांव के एक मॉल में काम करती है। काम खत्म होने के बाद रात को वो अपनी बहन के साथ मॉल के बाहर ऑटो का इंतजार कर रही थी, तभी एक कार सवार ने उसे लिफ्ट दी। कार सवार ने रास्ते में महिला की बहन को नीचे उतार दिया और महिला के साथ रेप किया। बाद में उसके 2 और दोस्तों ने भी महिला के साथ बलात्कार किया। बलात्कार के लगातार बढ़ते मामलों पर राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन ममता शर्मा ने कहा कि दिल्ली में महिला के कथित तौर पर अपहरण और फिर उसके साथ हुए बलात्कार मामले में हुई प्रगति की जांच का मूल्यांकन करने के लिए एक टीम का गठन किया जाएगा। शर्मा ने कहा कि इस वक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए।
सरिता विहार इलाके में महिला के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने पहले तो अपहरण का केस दर्ज किया था, लेकिन मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि होने के बाद गैंगरेप का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अब अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। दिल्ली से सटे नोएडा में बलात्कार के मामले ने फैला दी दहशत। नाबालिग से बलात्कार के इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर लोगों की सुरक्षा पर लग गया सवालिया निशान। नोएडा में 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा से बलात्कार की वारदात हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी एक अस्पताल में मैनेजर है। पीड़ित लड़की का कहना है कि आरोपी ने उसे नशीली चीज सुंघा दी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने उसे अगवा कर कार में उसके साथ रेप किया। वारदात इस तरीके से हुए कि इस लड़के ने मेरी बहन के साथ रेप किया है। मैं चाहती हूँ उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और इसने सारे के सारे जो प्लान बनाया है ना, सारे के सारे इसने प्लान के साथ ही किया है। क्या प्लान बनाया था बेटा? इसने इसके मन में ये प्लान चल रहा था कि मैं इसे ले जाके बेहोशी की दवा भी खिलाई है इसने हमारी बहन को। इसे ले जाके और मेरी बहन सुबह निकली हुई थी 11 बजे के टाइम ऑयल लेने के लिए, सर पे ऑयल लगा, तो इसने पीछे से जाके इसको रोका कि तू कहाँ जा रही है। इसने बोला मैं घर जा रही हूँ, तो कह रहे चलो ठीक है मैं भी तेरे घर ही चल रहा हूँ। तो जाने के बाद वो वहाँ से चली गई और पीछे से ही आया, उसने कुछ कपड़ा सा फेंका और मेरी बहन को भी होश, मतलब कुछ कुछ होश था और कुछ कुछ होश नहीं था। तो जाने के बाद उसको गाड़ी में इसने डाल दिया। पीड़ित छात्रा के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक गाड़ी में एक छात्रा को ले जाकर के उसके साथ रेप की एक अभी सूचना प्राप्त हुई है। सूचना पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया है और उसमें मेडिकल कराया जा चुका है, और उसमें जो अभियुक्त है उसको हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं और आगे की जो विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। सर अब तक की पूछताछ में क्या बताया है कि घर वालों ने क्या शिकायत की है, कैसे ये लेके गया, क्या इसके रिलेशन थे, या क्या मतलब घर से बाहर वो कुछ ग्रोसरी शॉप पे गई थी और उस दौरान उसको गाड़ी से उठा के वो बंदा ले गया है, उसको हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गाड़ी से क्लोरोफॉर्म और कुछ दवाइयां मिली हैं। पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सेक्टर 49 से थाना पे है, थाना सेक्टर 49 में, वहां से पुलिस वाले लेके आए थे, एक लड़की को लेके आए थे, उसका मेडिकल किया है। हाँ, उसकी स्लाइड जांच के लिए भेजी गई है। लड़की की उम्र कितनी होगी? लड़की की उम्र तो जब एक्सरे वगैरह होंगे तब पता चलेगी, और वैसे हाई स्कूल में पढ़ती थी लड़की। पुलिस जांच में पता चला है कि पीड़ित परिवार और मैनेजर के बीच कोई संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। गुरु का दर्जा भगवान के बराबर होता है, लेकिन बाड़मेर में शिक्षकों ने ही तोड़ दी सारी मर्यादाएं और बना लिया अपनी स्टूडेंट को ही अपनी हवस का शिकार। परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर लगातार पिछले कई महीनों से खेला जा रहा था ये घिनौना खेल। पेश है ये रिपोर्ट।
बाड़मेर में एक नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ उसके स्कूल के तीन शिक्षकों और एक छात्र द्वारा दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस स्कूली छात्रा को आरोपी परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर पिछले करीब 4 महीनों से दुष्कर्म कर रहे थे। छात्रा को जब इन्होंने किसी को बताने पर मारने की धमकी दी तो डर की वजह से उसने अपने परिजनों को इस सारी घटना की जानकारी दी। दिल्ली गैंगरेप मामले के बाद सरकार ने कड़े कानून बनाए लेकिन उसका असर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। बाड़मेर में एक 17 वर्षीय 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल के ही 3 शिक्षकों ने सामूहिक बलात्कार कर दिया। हालांकि दुष्कर्म का ये सिलसिला पिछले 4 महीनों से चल रहा था। लड़की को बार बार ये कहकर धमकाया जा रहा था कि अगर किसी को उसने इस मामले के बारे में बताया तो उसको मार दिया जाएगा। लेकिन जब एक दिन पहले फिर से लड़की को घर जाते वक्त चारों ने उसका रास्ता रोका और इसका जिक्र किसी से करने पर उसे गाड़ी से कुचलकर मार देने की धमकी दी तो लड़की काफी डर गई और उसने घर जाकर अपने घर वालों को इस घटना के बारे में बताया। ये तो अब नाबालिग है और 5-6 महीने से इसके साथ गलत हरकतें हो रही है और ये परिषद है कि वापिस आई तब इसके साथ में उसने धमकियां दी कि किसी को बताना मत, यदि बता दिया तो आपको कुचल के मार कर देगा। ठीक है, घर आ करके इसने रोई तो ये बताया, इसकी बड़ी ने पूछा कि रो क्यों रही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मेरे को मारने की धमकी दी। तो फिर इसके पिता को बताया और ये जो है आगे वाली पार्टी है वो राजनीति की तकड़ी है, वो मारने और डराने की, अभी हमको भी मारने की और कुचलने की धमकी दे रहे हैं। आप कहाँ जाओगे? स्कूल तो बच्ची भेज दी मैंने और बच्ची के साथ ये परीक्षा में पास करने के लिए और हाजिरी फेल करने के लिए बुरा काम किया 3-4 महीने से लगातार। तो मेरे को तो ये पता था नहीं भाई इतना अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। बच्ची को आज से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले बताया कि तेरे को बांध से ख़त्म कर दूंगा, तब बच्ची घर आके रोई रोई ना। पूछा हमने भाई तेरे साथ ये क्या है, तू रो कैसे रही है? तो मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, भाई मेरे साथ बलात्कार कर रहे हैं 3-4 महीनों से ये मास्टर। लड़की इस घटना के बाद बुरी तरह से डरी हुई है। लड़की के अनुसार उसने कई बार उनका विरोध करने की भी कोशिश की लेकिन उसे स्कूल से निकालने, फेल कर देने और अनुपस्थित बताकर स्कूल में हाजिरी कम करके परीक्षा में नहीं बैठने की धमकियां देकर शिक्षक लगातार उसके साथ बलात्कार करते रहे। 10th क्लास में पढ़ती हूँ, 1/10/1995 मेरी जन्म तिथि। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरे साथ मेरे स्कूल के टीचर जबरदस्त बलात्कार किया। कब से हो रहा था ऐसा? 2-3 महीने से। दो तीन महीने तक तुम बोली क्यों? मेरे को डराया, धमकी दी कि ये बात किसी को बताई तो तेरे को फेल कर देंगे और हाजिरी अनुपस्थित दिखा करके फेल करा देंगे। 20 तारीख को मैं 7 अप्रैल से देकर वापिस आ रही थी, उस समय ये चारों रास्ते में मिले तो उन्होंने कहा कि ये बात किसी को बताई तो तेरे को किसी वाहन से टक्कर मार कर मार दे। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद लड़की का मेडिकल मुआयना करवाया। पुलिस के उच्च अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर हैं और इसकी जांच पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा करवाई जा रही है। वो तो जांच कर रहे हैं अपना प्रेम संजीव चियो साहब साउट। नहीं, मामला क्या है वो बताएं। रेप का, बलात्कार का मामला है कि उम्र 17 साल है और 10वीं क्लास में पढ़ती वादा की रहने वाली। अच्छा, क्या हुआ था इसके साथ? बलात्कार हुआ। कौन थे आरोपी, क्या करते थे? कोई पढ़ाई करते, एक टीचर है। अच्छा, तो ये मामला कब सामने आया, कितने महीने से चल रहा? रिपोर्ट कल दी हमने तो। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। हालांकि घटना के बाद आरोपी भाग गए लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस तरह की वारदातों पर लगाम लगाई जा सकेगी। क्राइम रिपोर्ट के लिए बाड़मेर से कन्हैया लाल, जन टीवी। वो करते थे लोगों की
हर परेशानी दूर करने का दावा, हर दर्द का इलाज था उनके पास, लेकिन जब उनकी असलियत सामने आई तो उतर गया उनके चेहरों पर से नकाब और चढ़ गए वो पुलिस के हत्थे। संतानहीन को संतान देना और धन दोगुना करने जैसी कई परेशानियों को दूर करने का झांसा देकर कई लोगों को ठगी का शिकार बनाकर मध्य प्रदेश से भागे दो शातिर साधु जयपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने दोनों से करीब 10.25 लाख रुपए की नकदी बरामद की, साथ ही गाड़ी में सवार एक अन्य संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक जयपुर पुलिस को मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले प्रकाश सिंह राठौर नामक जिला प्रमुख ने खबर दी थी कि एक टवेरा गाड़ी में दो साधु सवार हैं और उनके पास ठगी के 25 लाख रुपए और 2 किलो सोना है और वे अजमेर से जयपुर की तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने शहर भर में नाकेबंदी करवाई। इस दौरान ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में सत्य साई कॉलेज के पास एक टवेरा गाड़ी आती दिखाई दी, जिसे पुलिस ने रुकवाकर उसकी तलाशी ली तो उसमें बिहार निवासी गुसाई दास, नारायण नामक कथित साधु और दशरथ नामक एक युवक मिला। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें एक बैग में करीब 10.25 लाख की नकदी मिली, जिसे जब्त कर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। ये सूचना ये थी कि एक टवेरा आ रही है, बांसवाड़ा नंबर की है, इसमें दो साधु है, उनके पास बहुत भारी मात्रा में कैश है, 2 किलो सोना है, इनको रुकवाया जाए और मध्य प्रदेश में ये कोई स्थानीय लोगों से ठगी करके पैसा लेके आ रहे हैं। इस सूचना पर सभी जगह नाकाबंदी की गई। हमारे यहाँ पर भी सत्साई कॉलेज पे नाकाबंदी कर रहे थे, चेतक 5 थी, गामा 4 हमारे जो जवा ट्रांसपोर्ट नगर SHO और उनका जाप्ता था, इन्होंने संयुक्त रूप से उसको रुकवाया और रुकवाने पर जब ट्रांसपोर्ट नगर थाने लेके तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में करीब 9,76,790 रुपये नकद मिले, जिसके बारे में इनसे पूछताछ की गई तो ये कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। तो साधुओं के खिलाफ जो पैसा मिला है उसको जब्त करके कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, साथ ही पूरे मामले की जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस को दे दी गई है। क्राइम रिपोर्ट के लिए जयपुर से दशरथ सिंह, जन TV। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में जुर्म की कुछ और दास्तां से आपको करवाएंगे रूबरू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।